पर सीट आ रही है क्लेम किया उन्होंने, क्लेम किया है कि बीजेपी। प्रशांत किशोर जो जी है देखिए वो बीजेपी के एजेंट है और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चरण चुनाव तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, ज़रूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं और भैया जो इनके साथ काम करेगा जो पार्टी वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं, विश्व के सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे, ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं, आज आपका डेटा ले लिया कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत उससे थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने एकदम बीजेपी माइंड किया था, वो उस विचारधारा की मानने वाले और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है और हमको भी पता है ये कहाँ कहाँ फंड दे रहे हैं।